Assalamualaikum students, how are you? Hope you are all fine. Students, today we will start over unit number 1, chapter number 1, cells, tissues and organs. In this chapter we will learn about the cell, what is the function of cell, what is tissue, what are their functions and what are the different organs in human, animals and plants. These are all things that we will discuss here, but for paper point of view we will discuss only organs. The only topic we will discuss in this chapter is organ. Now let's start reading. Organs. Cells or tissues are organized into larger body parts called organ. सेल्स और टिश्यूज जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं इनटू लार्जर बॉडी पार्ट, बॉडी के बड़े हिस्से में, जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्गन. एंड ऑर्गन इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट टिश्यूज विच विल वर्क टूगेदर टू डू अ पार्टिकुलर जॉब. जो ऑर्गन है वो क्या कहते हैं, वो बना हुआ होता है ग्रुप से, जिसमें आते हैं डिफरेंट तरह के टिश्यूज जो कि मिलकर काम करते हैं ताकि एक मखसूस जॉब परफॉर्म कर सकें. द लंग्स, द हार्ट, लंग्स, स्टोमिक, इंटेस्टाइन, ब्रेन एंड आईज आर एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गन इन एनिमल्स. ये तमाम जो हैं ये एग्जाम्पल्स हैं ऑर्गन्स की एनिमल्स में, जानवरों में. इन फ्लावरिंग प्लांट्स, अगर हम लोग पौधों की बात करें तो रूट, स्टेम एंड लीफ आर ऑर्गन्स एंड आल्सो द पार्ट ऑफ फ्लावर. ये तमाम क्या है, ऑर्गन्स भी हैं और पार्ट्स भी हैं फ्लावर्स के. नाउ लेट्स स्टार्ट. ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स डेट वर्क टूगेदर टू कैरी आउट अ सर्टन जॉब और फंक्शन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम. ग्रुप्स ऑर्गन का वो मजमुआ जो कि मिलकर काम करता है ताकि एक मखसूस फंक्शन परफॉर्म किया जा सके, उसको हम लोग कहते हैं ऑर्गन सिस्टम. फॉर इंस्टेंस, इन द ह्यूमन बॉडी एंड द बॉडीज ऑफ अदर मैमल्स द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ. उन्होंने कहा कि अगर हम लोग ह्यूमन बॉडी को देखें या दूसरे मैमल्स की देखें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, जहाँ से हम लोग चीज़ें एक्सक्रीट करते हैं, उसमें आते हैं किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेट्रा. दीज पार्ट्स वर्क टूगेदर टू कीप अप द राइट अमाउंट ऑफ वाटर इन द बॉडी एंड टू गेट रिड ऑफ वेस्ट केमिकल. इन पार्ट्स की हेल्प से क्या होता है, हमारी बॉडी में पानी की ज्यादती नहीं होती, ना पानी बहुत ज्यादा रहता है ना बहुत कम रहता है. और इसी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी के जो वेस्ट मटीरियल्स होती हैं, वेस्ट केमिकल्स होते हैं, वो एक्सक्रीट हो जाते हैं. द स्केलेटन सिस्टम सपोर्ट्स द बॉडी एंड प्रोटेक्ट्स सर्टन डेलिकेट ऑर्गन्स. जो स्केलेटन सिस्टम है, ढांचा है, वो हमारी बॉडी को क्या करता है, सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है तमाम ऐसा जो हम लोगों के हसास पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं. उसके बाद आता है द एक्सक्रीटरी सिस्टम रिमूव्स द वेस्ट केमिकल्स फ्रॉम द बॉडी. अगर हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या करता है, हमारी बॉडी से वेस्ट मटीरियल्स को, वेस्ट केमिकल्स को एक्सक्रीट करता है, रिमूव करता है. फोर अदर सिस्टम्स इन ह्यूमन बॉडी आर शोन बिलो. जो और दूसरे सिस्टम्स हैं ह्यूमन बॉडी में, चार, वो उन्होंने बताया हमें. सर्कुलेटरी सिस्टम, द सर्कुलेटरी सिस्टम मूव्स द ब्लड अराउंड द बॉडी इन ऑर्डर टू ट्रांसपोर्ट, डाइजेस्ट फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, हार्मोन्स एंड हीट. सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, हमारे पूरी बॉडी में जो ब्लड की सर्कुलेशन हो रही होती है, ये सारी की सारी कौन कंट्रोल करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम. मैंने कहा है कि सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड मूव करता है तमाम बॉडी में ताकि खाना हजम हो सके, ऑक्सीजन मिल सके, कार्बन डाइऑक्साइड और हीट, जितनी हमारी बॉडी को हीट चाहिए वो, हार्मोन्स प्रॉपर हों और यूरिया जो है वो हम लोगों को बॉडी को, ये तमाम जो फंक्शन है ये सारा का सारा किसका है, सर्कुलेटरी सिस्टम का है. उसके बाद है डाइजेस्टिव सिस्टम. द डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक्स डाउन द फूड मटेरियल इनटू अ फॉर्म दैट कैन बी ऑब्जर्व इनटू द ब्लड. जो डाइजेस्टिव सिस्टम ये करता है, हमारी बॉडी की हम लोग जो खुराक खाते हैं उसको ब्रेक करता है, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ता है और उसके बाद ही करता है, उसको इस काबिल बनाता है ताकि वो खून में अब्जॉर्ब हो सके. द रेस्पिरेटरी सिस्टम
पुट्स ऑक्सीजन इनटू द ब्लड एंड रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स. जो कार्बन रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिससे हम लोग सांस लेते हैं वो ये करता है हमारे बॉडी में ऑक्सीजन लेकर जाता है और हम लोग के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स रिमूव करता है. उसके बाद है द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स मैनी ऑफ द बॉडी एक्टिविटीज. नर्वस सिस्टम कहाँ हमारे होता है? नर्वस सिस्टम होता है हमारी ब्रेन में. ठीक है, ये क्या करता है हमारी पूरी की पूरी बॉडी के नर्व्स को कंट्रोल करता है और जो भी हम लोग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी एक्टिविटीज परफॉर्म करती है वो सारे सारे कौन मैनेज करता है? हमारा नर्वस सिस्टम करता है. अदर सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी इंक्लूड्स द मस्कुलर सिस्टम द एंडोक्राइन सिस्टम एंड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. द वेरियस सिस्टम्स इन द ह्यूमन बॉडी ई मेकअप्स एन एंटायर बॉडी और एन ऑर्गेनिज्म. जो दूसरे सिस्टम जिसमें रहता है मस्कुलर सिस्टम आ जाता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम वगैरह ये सारा कुछ क्या है? ये दूसरे सिस्टम द ह्यूमन बॉडी के जो कि पूरे बॉडी को के स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर बने बनाता है. ठीक है, अदरवाइज ये आप कह लो कि पूरे के पूरी बॉडी के को एक प्रॉपर शेप देता है. पूरी बॉडी को प्रॉपर वर्क करने इसी वजह से करती है क्योंकि अगर हमारी बॉडी को कोई भी पार्ट नहीं होगा तो क्या होना है कि हम लोगों के प्रॉपरली फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकेंगे. अब बारी आती है क्रिएटिव क्वेश्चंस की. स्टूडेंट्स जौन सी अंडरलाइनिंग क्यों हुई थी वो आप लोगों ने भी साथ साथ अंडरलाइनिंग करनी है. उसी से आपको क्रिएटिव क्वेश्चंस आएंगे, उसी से आपको एमसीक्यूज आने हैं. दो क्रिएटिव क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हैं, बाकी आपने अंडरलाइनिंग की हुई क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों ने खुद बनाने हैं और कॉपी पे लिखने भी हैं. व्हाट इज ऑर्गन सिस्टम? अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स डेट वर्क टूगेदर टू कैरी आउट अ सर्टन जॉब और फंक्शन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम. व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक्स डाउन द फूड मटीरियल इंटू द फॉर्म डैट कैन बी ऑब्जॉर्ब इंटू द ब्लड. ये क्वेश्चंस आप लोगों ने लास्ट में अपनी कॉपी पे लिख लेने हैं, खुद भी बनाने हैं और पेपर की अच्छी अच्छी तैयारी करनी है. Thank you. Allah Hafiz.